हेलो, मैं हूँ पूर्वी मारू और आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल फूड हेल्थ एंड एक्यूप्रेशर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट मसाज फॉर इंसोमनिया, यानी कि अगर ना आपको नींद नहीं आती है और आपको इसकी बहुत प्रॉब्लम है कि आपको नींद ना जल्दी आती ही नहीं है, या आप सोते हो तो आपको रात को 2 बजे तक 3 बजे तक अगर आपको ना नींद नहीं ही आती है बिल्कुल भी, और आपको इस प्रॉब्लम को अगर आपको सोल्यूशन चाहिए हो और आपको अगर ऐसा चाहिए हो कि आपको जल्दी नींद आ जाए, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा नींद की प्रॉब्लम है और अगर आपको लगता है कि आपको जल्दी नींद आनी चाहिए, आप जैसे ही बेड पे जाए तो ऐसे ही आपको 5-10 मिनट में आपको नींद आ जाए, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आज की जो हमारी एक्यूप्रेशर पॉइंट मसाज है ना, ये आपको बहुत ही लाभ देगी, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। ये देखिए, मेनली ना नींद ना आने का कारण क्या होता है, नींद ना आने का कारण ना बहुत सारे होते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो प्रॉब्लम होती है स्ट्रेस की। अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से आपको नींद नहीं आती है रात को। फिर अगर हो आपको, देखिए, एडिक्शन की वजह से कई बार ना हम लोग फोन देखते देखते ही ना हमें रात को इतना टाइम निकल जाता है कि हम ना सोना, देखो नींद आती भी होती ना फिर वो नींद चली जाती है, और वैसे अगर आपको रेगुलर हैबिट ऑफ फोन यूज करने की रात को तो उसकी वजह से भी आपको नींद नहीं आती है। तो इन सब प्रॉब्लम की वजह से ना आपको नींद की प्रॉब्लम हो सकती है। और देखिए, नींद जब ना कंप्लीट ना हो ना तो उससे बॉडी में बहुत सारी आपको ना प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। नींद का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, स्पेशली नींद अच्छी तरह से कंप्लीट करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी नींद में प्रॉब्लम आएंगी ना तो आपको बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। तो ये आप स्पेशली ध्यान रखिए कि आप ना प्रॉपर सोए, आप टाइम पे सोए, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। और जो है आपको जो नींद नहीं आती है, इसकी जो भी प्रॉब्लम है ना, इसके लिए आज जो हम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स से डिस्कस करने वाले हैं, इन्हें आप जरूर ट्राई करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके, और हाँ, हो सके इतने लोगों तक शेयर करिए ये वीडियो ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जरूर क्लिक करिएगा। तो आज हम ना 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आज हम 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स डिस्कस करने वाले और तीनों भी ना एक दूसरे के बहुत ही बाजू बाजू में है, नियर नियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे तीनों भी पॉइंट्स की लोकेशन हमारे व्रिस्ट जॉइंट पे है, तीनों भी पॉइंट्स की लोकेशन है हमारे व्रिस्ट जॉइंट पे। ये व्रिस्ट जॉइंट का हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, ये व्रिस्ट जॉइंट का ये सबसे मिडिल वाला पॉइंट जो है, ठीक है, व्रिस्ट जॉइंट का ये जो बीचों बीच है, सेंटर है जो हमारे व्रिस्ट जॉइंट का, इस पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे। ये पॉइंट है पेरिकार्डियम 7 का पॉइंट, ये पॉइंट है पेरिकार्डियम 7 का पॉइंट। ये पॉइंट जो है ना, इसे आपको क्या करना है, आपको थंब से, आप थंब की हेल्प से ना इस पॉइंट पे ना सर्कुलर मसाज दीजिए अच्छे से, ठीक है। 10 सेकेंड के लिए आप ऐसे दीजिए, 10 सेकेंड आप एंटी सर्कुलर दीजिए। पहले सर्कुलर से स्टार्ट करिए, देखिए, पहले आप ऐसे सर्कुलर से मसाज करिए, फिर आप इसे ना एंटी सर्कुलर वे में भी इस पॉइंट को प्रेस करिएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आप इसे प्रेस करिए जोर से, 1-2 सेकेंड होल्ड करिए और फिर रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, ऐसे तीनों भी चीजें आपको इस पर ट्राई करनी है। और आपको इस पॉइंट्स को ना 2 से 3 मिनट ना प्रेस करना है एक बार में, ठीक है। आप ऐसे दिन में 2 से 3 बार आप इसे रोज कर सकते हैं, डेली कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। हमारा सेकेंड पॉइंट जो है ना, ये हमारी स्मॉल फिंगर की टिप से जो आप नीचे नीचे जाते जाएंगे, यहाँ पे ये कॉर्नर में जो ये हड्डी है इसी के पास है ये पॉइंट। देखिए, हमारी स्मॉल फिंगर की तरफ जब हम नीचे नीचे जाते जाएंगे तो यहाँ पे है साइड में ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम है हार्ट 7। इस पॉइंट का क्या नाम है? हार्ट 7, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट बीचों बीच पेरिकार्डियम 7, सेकेंड पॉइंट हार्ट 7, और थर्ड पॉइंट जो है ये हमारी थंब सी, यहाँ से नीचे जाते जाते यहाँ पे आएगा, ये है हमारा पॉइंट LU9 का, लंग मेरिडियन के 9th पॉइंट का। तो 3 पॉइंट कौन से? पेरिकार्डियम 7, हार्ट 7 और लंग 9 का पॉइंट। ये तीनों भी पॉइंट्स को ना आपको अच्छे से प्रेस करना है। आप तीनों भी पॉइंट्स को, जैसे मैंने बताया, पहले आप इसे कैसे एंटी सर्कुलर मोशन में प्रेस कीजिए, ठीक है, फिर इसे एंटी सर्कुलर मोशन में प्रेस कीजिए, फिर इसे प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, ऐसे प्रेस करिए। आपको इन्हें दोनों भी हाथों पर प्रेशर देना है, इन तीनों भी पॉइंट्स को, ठीक है। आपको इन पॉइंट्स को ना दिन में 2 से 3 बार, 1-1, 2-2 मिनट के लिए आप इसे प्रेस कर सकते हैं। देखिए, कोई भी पॉइंट्स जो आप यूज करते हैं ना, इनके रिजल्ट्स आपको 1 दिन में 2 दिन में 3 दिन में नहीं मिलते, आपको उनके साथ कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको उनको डेली यूज करना पड़ेगा।
तभी जाके ना आपको कोई भी पॉइंट्स के असर मिलेंगे, आपको कोई भी पॉइंट्स का बेनिफिट मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप सोचते हैं कि आज हमने स्टार्ट किया, आपको एक दो दिन में इसका 100% रिजल्ट मिलेगा, तो देखिए ऐसा नहीं होता है। आपको थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ सकता है, बट एकदम 100% एक ही बार में आपको नहीं मिलेगा, ये आपको सोच के चलना है, ठीक है। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ना, ये तीनों भी जो पॉइंट्स है, इन्हें आप रोज ट्राई करिए और फिर देखिए कि आपको जो ये नींद की प्रॉब्लम है ना, ये कितनी जल्दी ठीक हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।